स्टेशन क्षेत्र के वरधामना स्थित एक एटीएम को फोड़ने की घटना पुलिस की सतर्कता से टली। प्राप्त जानकारी के अनुसार वाड़ी पुलिस की बीट मार्शल पेट्रोलिंग पर थी। सूराबड़ी से शुक्रवार को तड़के 3 बजे बीट मार्शल आते ही एक कार सिल्वर कलर की कार खड़ी दिखाई दी। पुलिस को संदेह होते ही पुलिस कार की ओर निकली तो आरोपी भाग निकले। बीट मार्शल तुरंत कंट्रोल रूम को कॉल दिया, बताया कि सिल्वर कलर की कार है, हिंगना MIDC क्षेत्र में कार दिखाई दी। MIDC पुलिस ने पीछा कर वासुदेव नगर में कार को धर दबोचा, जिसमें वरधामना निवासी आरोपी इरफान खान वकील खान उम्र 21 को दबोचा। दो आरोपी भागने में सफल हुए। फिर वाड़ी DB स्क्वाड ने दूसरा आरोपी हसन बाग खरबी निवासी जमीलुद्दीन नूरुद्दीन शेख उम्र 26 को दबोचा। एक आरोपी फरार है। बताया गया कि टाटा इंडिकेश एटीएम पर डाका डालने की तैयारी में जुटे थे। टीकास छन्नी हथौड़े से शटर को तोड़ने का काम शुरू किया था। करीब रात के 2:30 बजे कार्रवाई को अंजाम दे रहे थे, लेकिन वाड़ी पुलिस बीट मार्शल दिलीप आड़ी श्रीकांत कनौजिया पेट्रोलिंग के दौरान आरोपी एटीएम को तोड़ते समय पुलिस को दिखाई दी। पुलिस को देखते ही सभी आरोपी अपनी कार क्रमांक MH31CM5643 से भाग निकले। तेज रफ्तार से कार को चलाते आरोपी की कार को भी नुकसान हुआ और एक आरोपी इरफान वकील पठान को मामूली चोट आई। वाड़ी पुलिस ने दो आरोपी को गिरफ्तार किया, उन्हें कोर्ट में हाजिर किया गया। वाड़ी पुलिस ने कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। आगे की कार्रवाई PI प्रदीप सूर्यवंशी के मार्गदर्शन में PSI साजिद अहमद कर रहे हैं। इसके पहले भी HDFC का ATM फूटा था। वरधामना में लगा एक्सिस बैंक का ATM अप्रैल में फोड़ा गया था, जिसमें करीब 35 लाख रुपए चोरों ने हाथ साफ किया। अब तक आरोपी जाल में फंसे नहीं, लेकिन इस मामले में पुलिस आरोपी से कड़ी पूछताछ कर सकती है। PSI ठाकुर यांना सदर जी संशयित गाड़ी जी आहे ती संगम रोड या ठिकाणी मिळून आली। त्यांनी त्याचा पाठलाग केला। समोर वासुदेव नगर या ठिकाणी रोडचं काम चालू आहे, बॅरिकेड लावलेले होते। तर या संशयित आरोपींनी सदरची बॅरिकेड तोडून ज्या ठिकाणी रोडचं काम चालू आहे त्या बाजूला गेले। त्या दरम्यान PSI ठाकूर व त्यांच्या स्टाफनी सदर गाडीचा पीछा केलेला होता, त्यांना ताब्यात घेतले। त्यावेळेला 2 जे इसम होते गाडीतले ते पळून जाण्यात यशस्वी झाले। एक इसम मला ताब्यात घेतला आणि इंडिका कार ताब्यात घेतली। त्याची नावगाव विचारता त्यांना आपलं इरफान खान वकील खान पठाण राहणार वडधामना असं त्या एक संशयित आरोपींनी नाव सांगितलं। आणि जी इंडिका कार आहे तर इंडिका कार ताब्यात घेतली। सदर आरोपी व इंडिका कार ही वाडी पोलिसांनी ताब्यात दिली। त्यानंतर या आरोपीकडून मिळालेल्या माहितीवरून दुसरा आरोपी जमीलुद्दीन नूरुद्दीन शेख हसनबाग खरबी याला वाडी पोलिसांनी DB पथकाने ताब्यात घेतलेला आहे। BCN न्यूज के लिए वाडी से सौरभ पाटील की रिपोर्ट।